दोस्तों आज हम बात करने वाले 15x40 हाउस प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इस मॉडल की बात करें तो एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान, सिंपल और आपका छोटा सा घर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे एरिया की, तो बहुत ही कम एरिया है। और यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले एक पार्किंग के लिए समझ लें, या बारंदा टाइप का समझ लें, वो मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मिलता है। तो इसी मॉडल को आज पूरा हम डिस्कस करेंगे। थ्री साइड क्लोज्ड है, फ्रंट में आपका जो मैंने बारंदा क्रिएट किया है, इसमें लाइट वगैरह भी यहाँ पर लगा रखी है। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूँ पवन झाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो ये मैंने एक पेड सर्विस भी स्टार्ट किया। अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करते हैं। वहाँ पर आपको पेमेंट 50% एडवांस देना होता है। तो जो आज का मॉडल है, मैं उससे पहले जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिले। विंडो वगैरह का क्या इसका डिटेल है और सारा आप देख पा रहे होंगे। विंडो की अगर बात करें, ये कुछ लाइट लगा रखी है मैंने, और ये पूरा डिटेल आप देखिएगा। ये विंडो जो आपका है यहाँ पर वाइट कलर का है, ये ब्लैक कलर का डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट की। ये आपकी रेलिंग है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो मैं बता दूँ 15 फीट चौड़ा है और 40 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट लंबा है। इसके बाद आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आपको एक सबसे पहले पार्किंग एरिया मिल जाता है, एक बड़ा सा। दो पिलर्स हैं उसी पर पूरा। यहाँ पर देखिए, मैंने अगर हम बात करें आपका लिविंग एरिया का, लिविंग टाइप का एरिया बना रखा है। यहाँ पर आप मेज़ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, ये पूरा एरिया है। इसके बाद ये देखिए पिलर्स हैं, पिलर्स में मैंने दो लाइट्स लगा रखी हैं आप एंट्री करने के लिए। ये मेन डोर है, उसके साइड में ग्लास का बड़ा सा विंडो और ये एक बड़ा सा विंडो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस डोर से जैसे एंट्री करते हैं तो आपको मिल जाती स्टेयर्स, जो कि अंदर से आकर आप टर्न हो जाएंगे फिर अंदर को, उसी के नीचे आपको गेट दिया हुआ है। इसके बाद इस साइड, इस कॉर्नर पर आपका एक किचन दिया हुआ है, जो किचन के लिए विंडो मैंने एक बाहर से जिसमें वेंटिलेशन होता रहे, और अंदर से यहाँ पर एक डोर दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है, और इसके बाद इस कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम और इस कॉर्नर पर आपको लेटरिन बाथ। कुल मिला ये लगभग 10x12 का बेडरूम और ये लिविंग एरिया टाइप का मिल जाता है। ये आपका किचन, ये लेटरिन बाथ, ये स्टेयर्स। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको एक बड़ा सा एरिया जो कि ओपन है मिल जाता है। अब इस ओपन एरिया को ऊपर हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ओपन ही रहेगा, तो पार्किंग वगैरह अगर आप भी चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। ये देखिए, जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो पीछे वाला पूरा सेम एरिया, वही बेडरूम, लेटरिन बाथ, किचन। बस ये जो आपका ओपन एरिया था नीचे, वो मैंने एज एक गार्डन या बोल सकते हैं आप पार्किंग एरिया टाइप का मैंने ओपन छोड़ दिया। या चाहे आप इसे एक बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप पूरा इसे क्लोज कर देंगे फ्रंट से तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम और मिल जाता है। तो 15x40 में ये पूरा डिटेल आपको मिलता है। यहाँ पर आने के लिए देखिए पूरा डिटेल वही सा, यहाँ पर फ्रंट में मैंने डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, रेलिंग क्रिएट कर दी और ये विंडो। लास्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपको रूफ मिल जाती है, चारों तरफ से 2.5 फीट का बाउंड्री मिल जाता है। आगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लीप कर दिया है, जिससे आपको एक नया लुक देखने को मिल सके। तो ये 15x40 में पूरा मकान बहुत ही बेहतरीन सा देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा एरिया कवर्ड किया है, कम से कम जगह में सारी चीज़ें आपको प्लानिंग के साथ क्रिएट की। ये मॉडल जैसा भी आपको लगा हो हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स।